आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लड़का, लड़का का पर्यायवाची शब्द क्या है? बालक, बाल, बच्चा। पेड़, पेड़ को वृक्ष, तरु, पादप भी कहते हैं। हाथी, हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज, ऐरावत, कुंजर। घर, घर का पर्यायवाची शब्द गृह, सदन, भवन, निवास। आँख, आँख को नयन, नेत्र, दृष्टि, यह सब कहते हैं। कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है चीर, वस्त्र, पट, वसन। गाय, गाय को क्या कहते हैं? गौ, सुरभि, धेनु, गौ। झंडा, झंडा को ध्वज, केतन, पताका, यह सब पर्यायवाची शब्द है इसका। मछली, मत्स्य, शफरी, जल जीवन। जल, जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर, अम्बुज। माँ, माँ का पर्यायवाची शब्द हुआ माता, जननी, माँ। आकाश, आकाश को नभ, आसमान, गगन, यह सब कहते हैं। पर्वत, पर्वत का समानार्थी शब्द है पहाड़, गिरी, अचल। संसार, जगत, विश्व, लोक। कुत्ता, श्वान, कुकर, भैरव। पवन, पवन का पर्यायवाची शब्द है हवा, वायु, समीर। सुबह, सुबह का समानार्थी शब्द हुआ प्रातः, सवेरा। रात, रात का पर्यायवाची शब्द है निशा, रात्रि, रजनी। पक्षी, पक्षी को क्या कहते हैं? खग, चिड़िया, विहग। तारा, तारा का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र, सितारा, तारक। माला, माला को क्या कहते हैं? हार, माल्या, मालिका। नदी, नदी का पर्यायवाची शब्द है सरिता, वाहिनी, टटनी। सोना, सोना को क्या कहते हैं? स्वर्ण, कंचन, कनक। बादल, बादल का हुआ मेघ, जलधर, जलज। सूर्य, सूर्य को क्या कहते हैं? रवि, दिनकर, भास्कर। मित्र, मित्र का पर्यायवाची शब्द सखा, दोस्त, मित। गणेश, गणेश को क्या कहते हैं? विनायक, गणपति, लंबोदर। प्रकाश, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द उजाला, ज्योति, कांति। आदमी, आदमी को क्या कहते हैं? मनुज, मनुष्य, इंसान। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।